पहला नियम पढ़ा था हमने। हेलो, पहला नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटे? बेटा सीधा बैठ, थकता बहुत, स्वर हट जाता है, क्या हो जाता सोनू? मूल शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। नहीं, पहला नियम हमको यहां से पढ़ना था, यहां से ही ध्यान रखना। एक प्रत्यय के साथ प्रथम स्वर एक का आ हो जाता है, एक का। एक ही नियम पढ़ा था कि वाला? हाँ, तो ये तो एक ही है ना, एक का आ हो जाता है। लास्ट एग्जांपल क्या था? ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट। अगला, प्रियंका, पायल, मीना और शिखा गुर्जर और उमा जरेड़ा और प्रियंका और देव और सुनंदा और भावना। आवाज आ रही है बेटे? हाँ, अगला नियम। आज ज्यादा, बहुत ज्यादा बोल रहा है बेटे। अब मैं बोलूंगा, दो बार बोल लिया है। आगे लिखो नियम, कौन सा नियम? चौथा नियम, फोर्थ। नमस्ते कर रही है ममता, नमस्ते कर रही है। नियम फोर्थ, नियम फोर्थ, नियम क्या खबर थी? पूरे जोश में, पूरे जोश में। कौन है, कौन है? अच्छा, फिर ठीक, फिर ठीक है। नियम फोर्थ, नियम क्या लिखो? एक प्रत्यय के साथ, एक प्रत्यय के साथ पूरे जोश में, पूरे जोश में एक प्रत्यय के साथ। किसी साथ? एक मेरे बच्चा, ऐसे ऐसे बच्चे लगते हैं, देखो चेहरे पे स्टेमिना, देखो चेहरे पे ग्लो, देखो पूरा जोश में, पूरा किसमें? जोश में। अगला आदमी कहेगा थक गया, ये नहीं कहेगा तो मैं थक गया। ये सन ऐसे ऐसा ग्लो चाहिए मुझे चेहरे पे। एक प्रत्यय के साथ छोटाई बड़ाई ए, छोटाई बड़ाई ए का आई हो जाता है, का आई हो जाता है। एक प्रत्यय के साथ छोटाई बड़ाई और ए का आई हो जाता है। ए का क्या हो जाता है? आई हो जाता है, आई। एक प्रत्यय के साथ छोटा ई बड़ाई ए का क्या हो जाता है? आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भारती कि ये वाला जो ए, इधर देखो बेटे अन्नू, ये वाला जो ए, इसकी एक मात्रा आएगी और इसकी दो मात्राएं आएंगी। ये वाला जो ए, इसकी एक मात्रा आएगी और ये वाला जो आई है, इसकी कितनी मात्रा आएगी? बोलो, कुछ समझ नहीं आया? ये आपको आता है ना ऐसे, इसकी एक मात्रा आती है, इसकी दो मात्रा आती है। बेटा सबको क्लियर? ये आपको नहीं आया तो बता देंगे अपन, क्या सर आपको क्लियर है? इसकी एक मात्रा थी, इसकी दो मात्रा, इसकी एक मात्रा थी, इसकी दो मात्रा। बेटे बच्चे क्लियर क्या? तो दूसरा है कि एक प्रत्यय के साथ छोटा ही बड़ाई एक का आई हो जाता है। एक का क्या होता है? आई हो जाता है। कैसे? देखो नंबर वन है इच्छा, बोलो इच्छा, बोलो इच्छा। इधर तो देखो ना सोनू, इधर देखो ना, मेरा भी घर पे नाम सोनू ही है। इच्छा, और ये एक प्रत्यय लगा दिया। कौन सा प्रत्यय लगा दिया? एक प्रत्यय लगा दिया। देखो बेटा, इच्छा प्लस एक, इच्छा प्लस एक। बेटा देखो इधर, इच्छा प्लस एक, इच्छा प्लस, पहले तो एक प्रत्यय जोड़ना है। एक प्रत्यय के साथ एक का आई हो जाता है। एक का क्या होता है? मतलब वो वाला आई है ना, और ये हो जाएगा ऐच्छिक। बोलो ऐच्छिक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, 23 जून को, कितने जून को? अगर एग्जाम को 6 महीने पोस्टपोन करा दो तो बताओ क्या मेरे को पार्टी दोगे क्या? है बताओ बेनीवाल, अगर एग्जाम 6 महीने पोस्टपोन करा दू मैं, बताओ अन्नू? अभी मेरे हाथ में है एग्जाम, अगर 6 महीने के लिए प्री पोस्टपोन करा दू तो अभी बता दो, ये 15 मिनट में नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। नहीं क्या? अच्छा तुम्हारे तो बता दो, चलो फिर ठीक है, नहीं हो रहा। ये ऐच्छिक, बोलो ऐच्छिक, ये ध्यान रखना है बच्चा, ये बच्चा। ऐच्छिक में मूल शब्द इच्छा है, ऐच्छिक में मूल शब्द क्या है? दूसरा इतिहास, इतिहास, इतिहास लिखो, आप लिखते जाना बेटा, बोलना नहीं, करते जाओ बेटे कॉपी में। मैं आपके पास आऊंगा, करीब आऊंगा मैं आज। इतिहास, फिर लिखो पिसाच, पिसाच, पिशाच, विशेष, विशेष,
नीति नीति विधान जीव वेतन वेद सेना प्रिया सेना वेद वेतन जीव विधान नीति विशेष मैं ये ए यहां पे ऐसे होता है ना ये वाला ए ये ए ये ए इसकी व्यंजन के ऊपर मात्रा दो लगेगी इसके ऊपर तो एक ही लगेगी इसकी इसकी उसके ऊपर तो एक ही लगेगी नीचे व्यंजन के ऊपर लगेगी तो दो लगेंगे ठीक है। अब बताओ इसमें आपने क्या गलती इसमें क्या गलती करी बताओ हाँ हाँ बाउल इसमें क्या गलती करी बताओ डबल मात्रा और दूसरा बेटा बहुत बारीकी से देखना है पिसाच में लिखा ये रहा पिसाच में देखो सह कैसे लिखा है मैंने ऐसे बेटा बहुत बारीकी दिखना है दिखा नहीं ना पिसाच में सॉरी पिसाच में ऐसे लिखना है पैसाच दो मात्राओं को ध्यान रखना है क्या क्या बताया मैंने समझ गए ना ठीक है ठीक सर समझ में नहीं आया तीन तीन बार पूछना है सर को रिश्तेदार नहीं है और अपन मैक्सिमम 20 दिन के साथ ही रहे कितने दिन के 20 दिन पढ़ेंगे मुश्किल से हिंदी और सर रेगुलर क्लास लेनी है सर फिर पता नहीं कब होगा हाथ पीले कर देंगे घर वाले दिखा दिखाओ उधर किसको उधर किसको तो सही है तो फिर मात्रा वाला समझ में आया जब तो ये किया है आपने मात्रा वाला सर इसको एक बार समझाओ सर आप यार तो सिंपल सी चीज है ऐसी डायरी कहाँ से आई है तुम्हारे पास ये डायरी खरीदी है क्या कहीं मिली है तो गई मैं क्या कहीं जाते देखो ये आई है अब आई के ऊपर तो इसकी एक ही मात्रा रहेगी और व्यंजन के ऊपर आ जाएगी जब दो मात्रा आ जाएगी क्लियर क्या हाँ बेटा बोलो इतिहास इतिहास का एक प्रत्यय लग के बोलो ऐतिहासिक मुंह से बोलो ऐतिहासिक ओके क्या पिसाच प्लस इक का क्या होगा बोलो पैसाचिक मुंह से बोलो पैसाचिक क्लियर क्या पैसाचिक प्रवृत्तियां होती है पैसाचिक प्रवृत्तियां उमा जरेडा बहुत प्यारी बच्ची है उमा ये हो जाएगा वैशेषिक वैशेषिक पता पूछो प्लीज पूछो तुम्हारा मन कर रहा है पूछने का है थर्ड वाले पैसाचिक भूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे पिसाच का मतलब भूत पैसाचिक प्रवृत्ति होती है ना आदमी की एक जज ने वो कर दिया था एक बच्ची के साथ भरतपुर में तो आया था ना उसके साथ पैसाचिक प्रवृत्ति होती है नीति का नैतिक नीति का क्या नैतिक नीति का नैतिक विधान का क्या होगा वैधानिक विधान का वैधानिक जीव का क्या होगा बोलो जैविक वेतन का क्या होगा बोलो वैतनिक और वेद का क्या होगा वेद का बोलो वैदिक और सेना का क्या होगा ओके बोलो देखो एक प्रत्यय के साथ प्रथम स्वर एका आ हो जाता है एका दूसरा नियम था एक प्रत्यय के साथ छोटा ई बड़ा ई एका क्या हो जाता है आई क्या हो जाता है ओके बोलो बेटे फोन मत छेड़ा करो मेरी क्लास में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे होते हुए तुम किसी और से बात करो आगे पहला नियम था एक प्रत्यय के साथ एक का हो जाता है नियम दूसरा था नियम पहला बोलो पहला नहीं पहला बोलो
प्रत्यय के साथ एका आ हो जाता है, एक प्रत्यय के साथ एका, एक प्रत्यय के साथ एका। फिर दूसरा नियम था एक प्रत्यय के साथ छोटा ई बड़ा ई एका आई हो जाता। बताओ अब अगला तीसरा नियम क्या होगा, बताओ अपने आप बन जाएगा। एक प्रत्यय के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ ओका क्या हो जाएगा, आउ क्या हो जाएगा, समझ गए ना। लिखो अगला, एक प्रत्यय के साथ नियम कौन सा फोर्थ ना, लिखो एक प्रत्यय के साथ, एक प्रत्यय के साथ किसके साथ बेटा, एक प्रत्यय के साथ क्या छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ का औ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, ओ का क्या होता है छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ का औ हो जाता है। ओके बोलो, नंबर वन लिखो पोस्ट, पोस्ट मैं आऊंगा करीब आऊंगा मैं, बुद्धि मुद्रा भूत योग, योग पुराण लोक उपचार, उपचार उपनिवेश। बताओ पुष्ट का क्या होगा, पुष्ट का, पुष्ट का क्या होगा बेटा, पौष्टिक। बताओ किस किस का सही था बेटा, सही था बेटे, दिखाओ दिखाओ मेरे को। हाँ ये वाला, ये वाला भी है सही है, पुष्ट का हो गया पौष्टिक, पुष्ट का क्या हो गया सही है ना, पुष्ट का पौष्टिक, बुद्ध का हो गया बौद्धिक। बताओ किस किस का सही था, मुद्रा का मौद्रिक, मुद्रा का मौद्रिक, भूत का, भूत का भौतिक, बोलो भूत का भौतिक, योग का क्या होगा, योग का, योग का होगा यौगिक, बोलो यौगिक, और पुराण का पौराणिक, और लोक का क्या होगा, लोक का बोलो लौकिक, उपचार का क्या होगा औपचारिक, औपचारिक, और उपनिवेश का क्या होगा औपनिवेशिक। ओके बोलो बेटे, आगे चलो, नहीं वो बाद बताऊंगा, ओरिजिनल पेपर्स बताऊंगा बेटा। यहां था पहला नियम क्या था, नियम फर्स्ट क्या था, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन जो तेज जीवन का आएगा वो इसमें से आएगा, अगला अगला नियम कौन सा नियम, अगला सिक्स। अब तक अपन कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे थे, एक आगे है अप्रत्यय, बंसल सर क्लियर, बंसल सर अप्रत्यय नियम कौन सा, नियम सिक्स लिखो, अप्रत्यय के साथ, अप्रत्यय के साथ, अप्रत्यय के साथ प्रथम स्वर एका आ हो जाता है, एका क्या होता है बेटा, तथा ऊका, बोलो ऊका वह हो जाता है, ऊका क्या होता है बेटा वह हो जाता है। एक बता रहा हूं मैं बस आपको,
अगर मान लो ऊ नहीं हो उसमें, बेटा बात सुनो, मान लो उसमें ऊ नहीं हो, क्या नहीं हो, तो केवल एक ही चेंज करना है, क्या करना है फिर? एका, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये रहा मनु, बोलो मनु, और ये मनु में ए प्रत्यय जोड़ना है, कौन सा प्रत्यय जोड़ना है बेटा, ढंग सुनो, ए प्रत्यय जोड़ना है बेटा, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्रत्यय जोड़ना है मनु में, ए प्रत्यय जोड़ना है, तो प्रथम स्वर एका हो गया, एका बताओ मैं का क्या हो गया, मां, बोलो मां, ने को ने उतार लिया, उका वे हो गया, उका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं, रुको ना एकदम तुरंत चालू हो जाती हो, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं पूजा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मानव में मूल शब्द क्या है, मनु, कौन सा, ये बात ध्यान रखनी, ये बात एग्जाम में ध्यान रखनी है, ऐसे ही जाएगी सर, ये बात ध्यान रखनी एग्जाम में कि मानव मूल शब्द क्या है बेटे, मनु, क्लियर क्या, अगर लास्ट में ना थक हो गया मेरा राजा, क्या हो गया मेरे गुड्डू को, क्या हो गया मेरा राजा, ना क्या हो गया, बताते किस नालायक अपने जैसे समझता है क्या सबको, क्या हो गया बता, किस किसने डाटा तेरे को, किसी को नहीं, क्लियर क्या, मानव का क्या हो गया, मनु, मानव क्या हो गया, मनु, क्लियर क्या, दूसरा अब आपको खुद को करना है, एक एक ये लिखो, एक पहला एग्जांपल, दूसरा लिखो धनु, धनु, तीसरा मगध, पांडु, बोलो पांडु, पांडु, एक रेड कलर का कभी ओरिजिनल पेपर नहीं भेजा गया मैंने आपको, ओरिजिनल पेपर जिसमें 200 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, 100, कल बेटा जो जो मैंने बताया था उसका प्रिंट जरूर, नहीं कल केवल आप टेस्ट सीरीज का प्रत्यय तो आज हो जाएंगे, कल जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज भेजी है उसका वो प्रिंट निकलवा लेना बेटा, प्रियंका तुम मेरा कभी कहना नहीं मानती, तुमने प्रिंट नहीं निकलवाया ना, कर लिया बेटे, तो देखो इसका क्या किया आपने, धनु का क्या किया बताओ, धनु का दानव, धनु का क्या बताओ, किस किस का सही था, धनु का दानव में क्या करना है अपन को, क्या ध्यान रखना है, मूल शब्द धनु है, मगध का क्या होगा बताओ, मगध का बोलो मागध, मागध, और पांडु का क्या होगा, पांडव, क्लियर क्या, पांडु का हो गया पांडव, पांडु क्या हो गया, पांडव, पांडु का पांडव, अगला नियम, अगला नियम बताओ कौन सा है, क्लियर नियम ये आपको, ये क्लियर क्या, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया यार, आगे लिखो नेक्स्ट, अगला तुम्हारा कोई स्टूडेंट ग्रुप नहीं है क्या अलग से, चलो क्लियर, आगे 6 आगे लिखो सेवंथ, सेवंथ नियम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सेवंथ नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नाराज है, तू पहले कितना खुश रहा करता था यार, उस दिन से तू मेरे से नाराज है ना, नाराज नहीं है बेटा, ये बताओ आराम से, अनु तुम बताओ, अनु लक को तुम मानते हो, सातवां नियम पूजा, भाग्य होता है नहीं होता, चला बताओ, सब कुछ मेहनत पे है, बात है या भाग्य होता है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताते रहे, तुम बताओ, तुमसे पूछना चाहता हूं, भाग्य किस्मत होता है, होती है किस्मत या सब कुछ मेहनत है, सर बेनीवाल सर सब कुछ मेहनत, किस्मत होती नहीं है, मेरे बच्चे को क्या हो गया, तुमने क्या कह दिया इसको, क्यों परेशान कर रहे हो तुम इसको, नहीं तुम इसको प्रताड़ित कर रहे हो मानसिक रूप से, मैंने क्या कहा था पहले दिन, क्या कहा था मैंने, मैंने पहले दिन क्लास जब चालू 2-3 दिन बाद, भूख का जो भूखा आ रहा है क्लास में उसकी किस्मत में लिखा है भूखा मरना, तू नाला कितना कंजूसी क्यों करता है, तुम्हारे 1.5 करोड़ के तो संतरे बिकते हैं, इनके 1.5 करोड़ के पर संतरे बेच देते हैं, इतने इतने पता नहीं क्या हो रहा है बच्चों, यू नो संतरा, और झालावाड़ का है सर, 1.5 करोड़ के संतरे बिक जाते हैं इनके, इनके पापा के बिजनेस है, पर पता नहीं क्या हो रहा है इनको, क्यों कर रहा है, तो क्यों रहता है तू भूखा, सब मिल जाएगी, वो दोबारा मत मत टेंशन ले,
परेशान रहता, कितना खुश रहा करता था, मुझे ध्यान है वहां बैठा करता था, मेरे को छेड़ा करता था ये। नहीं नहीं ये तुम दोनों परेशान करते हो उसको मिलके, तुम दोनों। आगे लिखो बेटा, नियम सेवंत पूरी तरह से भाग्य। जरेडा मैडम बोल रही है कि मेहनत के हिसाब से किस्मत चलती है, सही बात बोल रही है। नियम कौन सा? सेवंत। नियम सेवंत पूरा ध्यान से, पूरे ध्यान से, नियम सेवंत, नियम सेवंत। नियम क्या लिखो? प्रथम अप्रत्यय के साथ, अप्रत्यय के साथ, अप्रत्यय के साथ प्रथम स्वर। बोलो प्रथम स्वर, कौन सा स्वर बेटा? प्रथम स्वर ऊका, ऊका औ हो जाता है, औ हो जाता है, तथा अंतिम स्वर, तथा अंतिम स्वर, अंतिम स्वर ऊका वह हो जाता है। ऊका क्या हो जाता है बेटा? वह हो जाता है। क्लियर क्या? अगर लास्ट में ऊ होगा तो उसको वह कर देंगे, क्या कर देंगे? वह कर देंगे। और अगर लास्ट में ऊ नहीं है, अगर लास्ट में ऊ नहीं है, अगर लास्ट में ऊ नहीं है तो फिर कोई सा स्वर हो, नहीं कोई सा स्वर हो, हमको क्या करना है? पहले स्वर में तो का तो ऊका ऊ कर देना है, और लेकिन लास्ट में कोई सा स्वर हो ऊ के अलावा, ऊ के उसको हटा देना है। उसको कैसे हटा देना बताओ? इसको इसको मुनी का, मुनी का क्या होगा फिर? मौन। क्या? देखो ऊ का तो हो गया ऊ, और लास्ट में कोई सा स्वर हो उसको हटा दिया, ई को हटा दिया, ये हो गया मौन। क्या हो गया? मौन। पहले सुनो, हाँ उन्हीं का मौन। अब आप करते जाना। लिखो कुरु, गुरु, मुनि, सुचि, कुशल, सुष्ठु। बताओ कुरु किस किस ने किया है? कौन सा? लेकिन मूल शब्द ध्यान रखना है। देखो कू को तो कू हो गया, कू का क्या हो गया? नहीं कू का हो गया कऊ, ये रे, और ऊ का हो गया वे। बोलो कौरव, सही है ना? गुरु का क्या होगा? गौरव। ऊका हो गया, रे को रे उतार लिया, ऊका वे हो गया, मुनि का तो मौन हो ही गया था ऊपर। बताओ सुचि का क्या होगा? और कुशल का? कौशल। और सुष्ठु का क्या होगा? सौष्ठव। क्लियर क्या? सौष्ठव बहुत मुलायम वाली होती है सौष्ठव। आगे चलो बेटा, कितना कितने नियम? पहला नियम क्या था? क्या? एक प्रत्यय के साथ, और दूसरा, और तीसरा, पहला नियम बोलो, पहला नियम तीज बोलो सबके सब। आगे लिखो अगला नियम, नियम कौन सा? नियम एट्थ लिखो, अप्रत्यय के साथ,
ए प्रत्यय के साथ, किसके साथ बेटा? ए प्रत्यय के साथ, किसके साथ बेटा? ए प्रत्यय के साथ छोटा ई का, छोटा ई कौन सा ई बेटा? छोटा ई का आई हो जाता है आई, छोटा ई का क्या होता है आई, ए प्रत्यय के साथ छोटा ई का आई हो जाता है, छोटा ई का क्या हो जाता है बेटा? आई हो जाता है, ई का आई हो जाता है, ई का आई हो जाता है बेटे, ई का आई हो जाता है, क्लियर क्या? ई का आई हो जाता है, छोटा ई का ही हो जाता है, कौन से प्रत्यय के साथ? ए प्रत्यय के साथ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे सिंधु, सिंधु क्या, सिंधु फिर है शिव, और फिर है जिन, और फिर है विष्णु, ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो वी का क्या हो जाएगा भाई? ये तो सही है, शेको से उतर लिया, नेको ने उतर लिया, इस ऊ का, ओ हो एक नहीं इसमें और एक लिखना, एक ये एक और तथा अंतिम ऊ का, ये लिख ले, कॉमन सेंस था वैसे, ये लिख लेते हैं, लिखो तथा अंतिम ऊ का, तथा अंतिम स्वर ऊ का वह हो जाता है, ठीक है बताओ इसका क्या होगा, जिनका जैन ठीक है, इसका क्या होगा? ठीक है, यहाँ आपका सही था सर, सिंधु का सेंड ऑफ करना है, लास्ट टू का वह हो गया, ठीक है ना सर, सिंधु का सेंड ऑफ हो गया, क्लियर क्या, कोई डाउट है क्या? देखो प्रथम ई ये का ए का तो हो गया, ए का क्या हो जाएगा? प्रत्यय जोड़ना है, सिंधु प्लस ए, ई का ही हो गया, स दह को दह उतार दिया, रू का वह हो गया, ए प्रत्यय जोड़ना क्या हो जाएगा? स वह को वह उतार लिया, जिन का जैन, ऊ होगा उसको लास्ट कर रहे हैं, वी का क्या हो गया? वह स को श उतार लिया, अणय को अण, ऊ का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दो निकालो अभी जो पीडीएफ आई है उसमें, क्वेश्चन नंबर दो निकालो अभी जो पीडीएफ आई है, बोला नहीं है, है? नहीं लास्ट वाली रेड कलर की, हाँ ये वाला मिल गया, रेड कलर की, रेड कलर की ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर लास्ट लास्ट में, बताओ केवल हाथ पर करना, बोलना नहीं बेटे, केवल हाथ पर कर लेना, बोलना बोलना किसी को नहीं है, क्वेश्चन नंबर दो, ऐसा क्वेश्चन आएगा हिला देगा ये क्या, बताओ बेटे, सिमरन 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 बताओ, मैं सिमरन बोलूंगा प्लीज, हाँ बेटा क्लियर, बताओ कौन सा यार, ऐसे कैसे
ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम नहीं पता बेनीवाल सर, कैसे बोल सकते हो ऐसे नहीं पता है, नहीं आ रहा देखो दबी कह रहा हूँ रेगुलर आना है। एक ये ऑप्शन है मानव में अप्रति हो गया और फिर ता लगा हुआ है तृप्ति, तभी तो मैंने तुमको सिमरन कहा था, तभी तो मैंने तुमको सिमरन कहा था, क्लियर क्या अभी तो पढ़ा है सर ये मानव शब्द है, मानव में कौन सा प्रत्यय है अप्रत्यय और उसमें एक एक्स्ट्रा और ता नहीं आया क्या, अरे यार कैसे तुमको क्या हो गया बिल्कुल नेटवर्क आना बंद हो गया क्या, ये मनु प्लस ए मनु प्लस का तो हो गया मानव, बताओ मानव में कौन सा प्रत्यय है ए प्रत्यय हो गया और ये ता दो प्रत्यय हो गए ना बेटा, क्लियर बोलो ना ओके क्या बच्चे सबको क्लियर, अब सबको क्लियर